हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम टॉफ़ी बना रहे हैं कैरेमल की। उसके लिए हम सबसे पहले आधा कप चीनी लेंगे और उसको मेल्ट करेंगे, कैरेमलाइज्ड करेंगे चीनी को। मतलब ब्राउन कलर की हो जानी चाहिए मेल्ट होने के बाद। थोड़ी थोड़ी देर में आप काठी से हिलाते रहें। काठी इस्तेमाल करिएगा इसमें, कोई और चम्मच मत इस्तेमाल करिएगा, वुडन स्पून यूज़ करें इसमें। अब तो हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। थोड़ी देर में ये जल्दी कैरमलाइज्ड हो जाएगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें ब्राउन हो गई है, कैरमलाइज्ड हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून बटर। 1 टेबल स्पून पानी जाएगा और 1 टेबल स्पून बटर जाएगा। और थोड़ी देर इसको भून लें, पका लें। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। जितना हमने चीनी लिए उतना हम दूध डालेंगे। तो आधा कप चीनी के लिए डालें आधा कप दूध। थोड़ा ऐसे पका लेते हैं पहले पानी, चीनी और बटर को। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध डाल दें इसमें। हाफ कप दूध है, जितनी चीनी उतना दूध। और इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि दूध कच्चा कच्चा ना लगे और अच्छे से चीनी के साथ मिल जाए, ब्राउन हो जाए। जितना आप इसको अच्छा पकाएंगे उतना कैंडी का कलर अच्छा आएगा और उतनी ही आपकी कैरमल कैंडी टफ़ बनेगी, टाइट बनेगी, अच्छी बनेगी। वरना चुई बनेगी अगर आप थोड़ा पकाएंगे तो। चुई चाहिए तो कम पकाएं, अगर हार्ड चाहिए तो बहुत ज़्यादा पकाएं, पर जलाएं मत इसको। तो ये देखें अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसके बाद थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखें कलर कितना अच्छा आया है कैरेमल टॉफ़ी का। तो ऐसे चलाते रहें और जब तक ये बबल्स अपीयर्स हो जाएं और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए उतनी देर हमें इसे पकाना है। सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। थोड़ा ये गाढ़ा होगा और मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिल जाएगा। ये देखें गाढ़ा होता जा रहा है। तो बस ये ऑलमोस्ट पकने की तरफ है। अपनी ट्रे रेडी रखें ताकि ये गर्म है, जल्दी जल्दी हम अब ट्रे में डालेंगे। ये तैयार है। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है, इसमें हम ये डालते जाएंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगा। देखें गाढ़ा भी है और इसमें बबल्स भी अपीयर हो रहे थे। 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। सिलिकॉन मोल्ड से आराम से निकल जाती हैं। तो ये देखें हमारी कैरेमल कैंडी तैयार है। इसे हम निकालते जा रहे हैं सिलिकॉन मोल्ड से, सारी आराम से निकल आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।